मूवी स्टार्ट होती है और हमें जंगल में एक जादूगर जिसका नाम लिजार होता है को दिखाया जाता है, और वो यहाँ पर अपने साथ एक वर्जिन लड़की को लेकर आया होता है। अब वो जादूगर यहाँ पर आकर उस लड़की का हाथ पैर बांध देता है, और उस लड़की को यहाँ पर इसलिए लाया होता है कि दो चांदों की मिलने वाली रात को वो उससे शादी करेगा, और इसके बाद इससे जो इनका बच्चा पैदा होगा वो सारे किंगडम को हरा सकता है, और उस बच्चे के दम पर ये जादूगर लिजार पूरी दुनिया पर राज करेगा। और आज की रात भी दो चांदों की मिलने वाली रात होती है, और इस जादूगर को इसी मौके का तो इंतजार होता है। और तभी यहाँ पर एक किंगडम का प्रिंस पहुंच जाता है और इसका नाम फेवियस होता है, और वो यहाँ पर आकर जादूगर के सभी साथी और उस जादूगर को भी मार देता है। अब इसके बाद वो प्रिंस और उसके सारे सोल्जर उस लड़की को यहाँ से बचा लेते हैं। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये कहानी 100 साल के बाद फिर से दोहराई जाती है, और इसके बाद सीन सीधा 100 साल के बाद का दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें एक किंगडम दिखाया जाता है, और इस किंगडम के राजा के दो बेटे होते हैं जिनमें से एक का नाम फेवियस और दूसरे का नाम थेडियस होता है, और इनमें से फेवियस वही होता है जिसने कि उस जादूगर को हराया था। अब यहाँ पर हमें फेवियस के बारे में बताया जाता है कि वो दिखने में अच्छा होने के साथ साथ एक बहादुर प्रिंस भी है, क्योंकि इसने कई सारे युद्ध जीत रखे होते हैं। दूसरी तरफ इसका भाई इसके मुकाबले में इसका एकदम उल्टा होता है, और इसीलिए सभी लोग फेवियस को ज्यादा पसंद किया करते थे, लेकिन थेडियस को कोई नहीं करता। यहाँ तक कि खुद राजा भी अपने बेटे को बेकार समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये एकदम बेकार है। अब इसके बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है कि फेवियस एक वॉर को जीतकर अपने घर वापस आता है। अब यहाँ पर फेवियस उसी जादूगर लिजार को हरा कर वापस आ रहा होता है, और साथ ही वो जादूगर के एक साथी का सर भी काट कर अपने साथ सबूत के तौर पर ले आता है। अब इसके बाद फेवियस वो कटा हुआ सर अपने सभी साथियों को दिखाता है, क्योंकि लिजार इनका बहुत पुराना दुश्मन भी होता है, और वो हमेशा इनके किंगडम को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचा करता था। अब फेवियस की बहादुरी देखकर सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ थेडियस को जो किंग ने काम दिया था वो उस काम में कामयाब नहीं हो पाता, और इसी वजह से थेडियस काफी ज्यादा दुखी होता है। अब इसके बाद फेवियस यहाँ पर मौजूद लोगों को स्पीच देने लगता है। अब ये सब देखकर थेडियस को अपने बारे में थोड़ा बुरा फील होता है। अब यहाँ पर फेवियस उस लड़की को भी अपने साथ लाया होता है जिसने कि उसे उस जादूगर से बचाया होता है, और वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर फेवियस उस लड़की को अपने फादर यानी कि किंग से मिलवाता है, और यहाँ पर फेवियस उस लड़की की बातों से काफी खुश होता है और उसे पसंद करने लगता है, और इसीलिए उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब इसके बाद जब ये लोग यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं तो फेवियस थेडियस की भी तारीफ करता है। वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हो वो कर सकते हो, और तुम्हारे अंदर भी वो सभी बातें हैं जो कि मेरे अंदर हैं। लेकिन अगले दिन फेवियस का एक खास आदमी कहता है कि थेडियस एकदम बेकार आदमी है और वो राजा बनने के लायक ही नहीं है। अब ये बात सुनकर थेडियस को काफी बुरा लगता है, और ये बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है, और इसीलिए वो नाराज होकर महल से चला जाता है। दूसरी तरफ महल के अंदर फेवियस की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, और यहाँ पर फेवियस थेडियस का काफी ज्यादा वेट करता है, लेकिन जब थेडियस यहाँ पर नहीं आता तब किंग उससे कहते हैं कि तुम फंक्शन को ज्यादा लेट मत करो, और इसलिए फेवियस उसकी बात मान लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन पहुंच जाता है, यानी कि वही जादूगर लिजार, और ये वही जादूगर होता है जिसे कि मूवी की स्टार्ट में फेवियस ने हराया होता है। और ये जादूगर यहाँ पर फिर से उस लड़की को लेने के लिए आया था, क्योंकि इस जादूगर को उस लड़की की जरूरत होती है क्योंकि ये वर्जिन होती है। अब वो जादूगर लिजार किंगडम के लोगों पर हमला कर देता है, और इसके बाद वो जादूगर लिजार उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद किंग थेडियस के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जाकर उस लड़की को बचा कर लेकर आओ, लेकिन यहाँ पर थेडियस को तो उस लड़की को बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर राजा कहता है कि अगर तुमने इस बार अपने आप को बहादुर साबित ना किया तो तुम्हें इस किंगडम से निकाल दिया जाएगा, और अब इसलिए थेडियस को ना चाहते हुए भी राजा की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर थेडियस अपने साथ अपने एक साथी को ले जाता है, और दूसरी तरफ फेवियस के साथ तो उसके नाइट्स होते हैं। अब इसके बाद ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों की पहली मंजिल थी एक ओरिकल के पास जाने की। अब इसके बाद ये लोग जाकर ओरिकल से मिलते हैं। अब यहाँ पर ओरिकल इन्हें वही भविष्यवाणी बताता है। वो यहाँ पर उससे बताता है कि अगर वो जादूगर दो चांदों की मिलने वाली रात को उस लड़की से शादी करेगा तो वो बड़ी ही आसानी से तुम्हारे किंगडम पर अपना कब्जा कर सकता है। अब इस पर फेवियस उससे पूछता है कि तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर वो ओरिकल इन्हें एक मैजिकल ब्लेड के बारे में बताता है जो कि एक यूनिकॉर्न के सींग से बना होता है, और उसकी हेल्प से वो लिजार को बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन उस ब्लेड को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस ब्लेड को एक बहुत ही खतरनाक जगह पर छिपाया गया है, और इसलिए उन लोगों को अपना काफी ध्यान रखकर और काफी संभल कर वहाँ पर जाना होगा। साथ ही वो ओरिकल यहाँ पर इन्हें एक मैजिकल कंपास भी देता है जो कि उन्हें उस जगह तक पहुँचाने का रास्ता बताएगा। अब इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब काफी दूर आगे आने के बाद ये लोग एक जगह पर कैंप लगाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेवियस के आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी भी है जो कि उन लोगों से छिपकर एक जगह पर जाकर कुछ स्पेल्स को पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर स्मोक में एक आदमी का शेडो बनता है, और ये शेडो उसी जादूगर लिजार का होता है। और इससे हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी उसी जादूगर लिजार के लिए काम करता है, और वो आदमी यहाँ पर लिजार को अपना मास्टर कह रहा होता है। यहाँ पर लिजार उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम फेवियस को जल्दी से मेरे पास ले आओ ताकि वो यहाँ आकर देख सके कि मैं उसके होने वाली वाइफ के साथ क्या करूंगा। अब यहीं पर थेडियस का वो साथी खड़ा होता है जो कि इनकी सभी बातें सुन लेता है, और इसलिए वो दोनों भाइयों फेवियस और थेडियस को इस बारे में जाकर बताता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फेवियस का बहुत खास आदमी होता है, और इसलिए फेवियस उस पर यकीन ही नहीं करता। और इसके बाद फेवियस खुद उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी ने सच बता देता है। वो कहता है कि हाँ मैं लिजार के लिए काम करता हूँ,
क्योंकि मेरा असली मालिक तो लिजार ही है। इसके बाद वो बूढ़ा अपने जादू से इनका ध्यान बटाकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर थेडियस का वो साथी उसे पकड़ लेता है और इसके बाद ही उस बूढ़े को कैंप में ले आते हैं। अब यहाँ पर फेबियस को इस बात का पता चल जाता है कि जो उसका खुद का ही इतना खास आदमी था वो भी लिजार के लिए काम करता है। वो बूढ़ा यहाँ पर फेबियस से कहता है कि लिजार ने तुम्हें मारने और तुम्हें कैद करने का हुक्म दिया है, और इसीलिए वो अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है कि फेबियस के सारे साथियों को मार दिया जाए। लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कैरिज की हेल्प से भागने लगते हैं और इसी बीच इन लोगों में काफी ज्यादा फाइट भी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग खुद को बचाने में किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद जब ये बात लिजार को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब दूसरी तरफ ये लोग जंगल में चलते हुए काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए जंगल में एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। और यहाँ पर फेबियस का पालतू कोआ उसके पास आता है, और यहाँ पर फेबियस उस क्रो के थ्रू अपने फादर को एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि तुम उन्हें जाकर बताओ कि हमारे ही साथियों ने हमें धोखा दिया है, और इसलिए किंग हमारी हेल्प करने के लिए अपनी आर्मी को भेजे जिससे कि हम लोग लिजार से फाइट कर सकें और उसे हरा सकें। अभी ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं कि तभी इनके सामने एक लड़की आ जाती है। अब एक लड़की को इतने सुनसान जंगल में देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन इससे पहले कि फेबियस उस लड़की से पूछता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कि तभी वहाँ पर जंगली कबीले के लोग पहुँच जाते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। अब इस कबीले का जो सरदार होता है वो काफी ज्यादा क्रूर होता है, और इसलिए वो इन लोगों को पकड़वा कर एक खतरनाक से जानवर के सामने डलवा देता है, और ये पांच सरों वाला जानवर काफी ज्यादा खौफनाक होता है। अब ये जानवर इन पर हमला करता है और फेबियस को काट लेता है, और इसका जहर इन लोगों को चूस कर निकालना पड़ता है। और तभी यहाँ पर एक फीमेल वॉरियर की एंट्री होती है जो कि बड़ी ही बहादुरी से उस जानवर का सामना करते हुए उसे मार डालती है, और इस वॉरियर का नाम इजावेल होता है। अब क्योंकि इजावेल के फादर को इस जंगली कबीले के लोगों ने मार दिया था, और इसीलिए इजावेल यहाँ पर अपनी फादर की मौत का बदला लेने के लिए आई थी, और इसके बाद वो इस कबीले के सरदार को भी मार डालती है, और इस तरह से इन लोगों की जान भी बच जाती है। अब इसके बाद ये लोग अपने आगे के सफर पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि इजावेल को उस मैजिकल ब्लेड तक पहुँचने का रास्ता पता है जिसके बारे में ओरेकल ने बताया होता है, और अब इजावेल भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि थेडियस इजावेल को पसंद करने लगा है, और रात के समय पर थेडियस का दोस्त और फेबियस जब कहीं पर जाते हैं तो यहाँ पर थेडियस और इजावेल अकेले में बातें करने लगते हैं, और यहाँ पर थेडियस इजावेल को अपने इस सफर के बारे में बताता है, और यहाँ पर बातों ही बातों में थेडियस उसे उस कंपास के बारे में भी बता देता है। अब अगली सुबह जब फेबियस वापस आता है तो वो पाता है कि थेडियस तो यहाँ पर सो रहा है। यहाँ पर फेबियस उस कंपास को ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। इसके बाद वो थेडियस से उस कंपास के बारे में पूछता है, लेकिन थेडियस के पास भी वो कंपास नहीं होता, और साथ ही इजावेल भी यहाँ से गायब होती है। अब फेबियस थेडियस की इस बेवकूफी से काफी ज्यादा नाराज होता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। अब ये लोग काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर फेबियस उन दोनों से यहीं पर रुकने के लिए अकेला ही मैजिकल ब्लेड ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ थेडियस को एक बार में इजाबेल मिल जाती है, और इसलिए वो इजाबेल को रोककर उससे उस कंपास के बारे में पता करता है, लेकिन यहाँ पर इजाबेल उसे उस कंपास को देने से मना कर देती है, और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, और इस फाइट में इजाबेल बड़ी ही आसानी से थेडियस को हरा देती है। दूसरी तरफ फेबियस को उसे उसके ही नाइट्स जिन्होंने उसे धोखा दिया होता है वो उसे पकड़ लेते हैं, और वो उसे यहाँ पर पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ इजाबेल से मार खाने के बाद थेडियस वहाँ से बाहर आता है, तभी यहाँ पर थेडियस का दोस्त उसे वो कंपास दिखाते हुए कहता है कि फाइट के दौरान मैंने इजाबेल से वो कंपास चुरा लिया था। अभी इस बात से ये दोनों लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी ये देखते हैं कि वो नाइट्स फेबियस को अपने साथ ले जा रहे थे। अब यहाँ पर ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर अभी इन्हें क्या करना चाहिए। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होती है ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इनके सामने इजाबेल आ जाती है और उन्हें तलवार दिखाते हुए उनसे वो कंपास वापस मांगती है। तब यहाँ पर थेडियस उसे अपने भाई फेबियस के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे नाइट्स उठाकर ले गए हैं, और इसके बाद इजाबेल भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद वो इन दोनों को अपने साथ एक केव में ले जाती है, और यहाँ पर कंपास की हेल्प से ये लोग अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर इनका सामना एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से होता है, और वो यहाँ पर इनके पीछे भागने लगता है। उससे बचने की कोशिश में ही तीनों अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर थेडियस भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो मैजिकल ब्लेड थी, और इसके बाद थेडियस उस मैजिकल ब्लेड को बाहर निकाल लेता है जो कि यूनिकॉर्न के सींग से बनी हुई थी। लेकिन तभी उस ब्लेड की प्रोटेक्टर जाग जाती है जिसकी बहुत सारी आंखें होती। वो यहाँ पर उससे कहती है कि इस तलवार को सिर्फ सच्चा योद्धा ही यहाँ से ले जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थेडियस खुद को एक महान योद्धा नहीं समझता था, और ये बात वो ब्लेड प्रोटेक्टर भी समझ जाती है, और इसीलिए वो उसे आजमाने के लिए उसे घर वापस जाने का लालच देती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा भाई मर गया तो तुम ही अगले राजा बन जाओगे, और इसीलिए वो ये सब छोड़कर वापस अपने घर चला जाए। लेकिन यहाँ पर थेडियस ऐसा करने से मना करता है, और वो अपने भाई फेबियस को ही चूज करता है। अब इसके बाद वो उस ब्लेड से उस क्रिएचर को भी मार डालता है, और इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है, और साथ ही साथ वो अपने साथियों को भी बचा लेता है। अब इसके बाद वो टाउन पहुंचता है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, जिसके बाद ये चारों फेबियस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद ये लोग जादूगर लिजार के महल में पहुंच जाते हैं, और आज की रात वही रात होती है जिसमें दो चांद आपस में मिलेंगे, और उसमें बस कुछ ही टाइम बाकी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि फेबियस को यहाँ पर लटका रखा होता है। दूसरी तरफ ये लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और बहुत ही चालाकी से फेबियस को आजाद कर लेते हैं। अब इसके बाद थेडियस वो ब्लेड यानी कि ब्लेड ऑफ यूनिकॉर्न फेबियस को दे देता है, और इसकी हेल्प से फेबियस लिजार से फाइट करने लगता है।
और बाकी के लोग लिजार के नाइट से फाइट करने लगते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच काफी बड़ी फाइट हो जाती है और इतने में ही दो मून्स आपस में आके मिल जाते हैं और इसके चलते लिजार की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर फेबियस बड़ी ही बहादुरी दिखाते हुए ब्लेड ऑफ यूनिकॉर्न से लिजार को मार देता है और इस तरह से फेबियस उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो शादी करने वाला था। अब इनका यहाँ पर काम पूरा हो चुका था और इजाबेल के वापस जाने का टाइम भी आ चुका था और इसलिए थेडियस काफी उदास होता है और इजाबेल उससे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। अब इसके बाद ये दोनों भाई फेबियस और थेडियस अपने किंगडम में वापस आ जाते हैं और पूरे का पूरा किंगडम इनके जीतने पर जश्न मना रहा होता है। अब किंग भी थेडियस की बहादुरी पर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उसने खुद को प्रूफ करके दिखा दिया कि वो भी एक बहादुर योद्धा है और अब इससे थेडियस भी काफी ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद फेबियस और थेडियस की शादी करा दी जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद जब थेडियस अपने रूम में होता है तब इसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि इजाबेल होती है। वो उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही और मैं तुम्हें आज तक भुला ही नहीं पाई। अब थेडियस भी उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर इजाबेल थेडियस को अपने कर्ज के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे डायन ने कर्ज दिया था कि मैं किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आ सकती और उस बिच को मारने के बाद ही हम दोनों एक हो सकते हैं। अब इसके बाद थेडियस उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद इन दोनों का सफर शुरू हो जाता है और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।